माता की जय, भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज यांना मनाचा मुद्रा करतो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित आपल्या उत्तर मध्य मुंबईच्या खासदार आणि माझी लहान बहीण पूनमताई महाजन, आपले मुंबईचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढाजी, संजय उपाध्यायजी, सुषम सावंतजी, प्रकाश मोरेजी, राजेश कुलवारियाजी, राजेश दुबे, अमित शेलार ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला, ते आपल्या सर्वांचे लाडके शुभ्रांशु दीक्षित ज्यांच्या अतिशय सुंदर अशा हनुमान चालीसाचं आपण विमोचन केलं, त्या जाल्हवी प्रभू अरोरा मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधू। खरं म्हणजे आज एक अतिशय चांगला कार्यक्रम शुभ्रांशुनी या ठिकाणी आयोजित केला, श्रमिक सन्मान सोहळा। शुभ्रांशुजी मैं सोच रहा था कि आपने श्रमिकों का सम्मान क्यों रखा, वो कौन सी प्रेरणा थी जिसके कारण आपने श्रमिकों का सम्मान किया। और अण्णा भाऊ साठे हमेशा ये कहते थे, क्योंकि हमने तो पुराणों में पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है ये शेषनाग के सिर पर रखी हुई है, लेकिन अण्णा भाऊ साठे कहते थे कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं है, वो तो श्रमिकों के हथेले पर रखी हुई है और इसलिए पृथ्वी श्रमिकों के भाव से चलने वाली है। लेकिन फिर भी ये प्रेरणा कहां से आई? मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर श्रमिकों के लिए बोलने वाले कई नेता हमने देखे, श्रमिकों के सम्मान में कसीदे पढ़ने वाले कई प्रधानमंत्री हमने देखे, कई लोग अपने भाषणों में श्रमिकों के सम्मान की बात करते थे, लेकिन पहली बार हमने देखा जब प्रयागराज में कुंभ हुआ और उस कुंभ में हमारे प्रधानमंत्री जी पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए गए, तो संगम में स्नान करने के बाद उन्होंने किसकी पूजा की? वहां पर काम करने वाले जो सफाई कर्मी थे, उन सफाई कर्मियों को बिठाकर उनके पांव धोकर उनकी पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जो ऐसे लोग थे, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कभी उन्होंने विचार नहीं किया था कि कोई निगम पार्षद भी उनका सम्मान करेगा। ऐसे बिल्कुल गरीब, कूड़ा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले, गंदगी उठाने वाले ऐसे लोगों को जब देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाते हैं और स्वयं अपने हाथों से पानी लेकर उनके पांव धोते हैं, तो पूरे भारत को बताते हैं कि एक ऐसा देश है जहां श्रमिकों का सम्मान होगा, जहां श्रम का सम्मान होगा, जो श्रम करेगा उसे प्रधानमंत्री भी सम्मानित करेगा। इतना ही नहीं, तो जिस समय काशी विश्वनाथ का मंदिर तैयार हुआ, जिस मंदिर को आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था और जिस मंदिर की आस्था को क्षति पहुंचाने का काम हुआ था, उस मंदिर को फिर से हमारे मोदी जी ने निर्मित किया। हमारे आस्था के प्रतीक भगवान विश्वनाथ को फिर एक बार प्रस्थापित किया और प्रस्थापित करने के बाद, उसका उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी इनके साथ फोटो ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिन मजदूरों ने, श्रमिकों ने
जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, जिन्होंने ईंट से ईंट लगाई, जिन्होंने पत्थर पर पत्थर रखा, जिन्होंने यहाँ पर ये सारा मंदिर खड़ा किया, ऐसे सारे मजदूरों को लाओ और सारे मजदूरों को बैठाया और उनके साथ देश के प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाया और उन सारे मजदूरों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। तो देश के अंदर एक नई परंपरा का सूत्रपात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और ये कहा कि वो देश है जिस देश के अंदर श्रमिकों का सम्मान होगा। और जब देश के प्रधानमंत्री ऐसा सम्मान करते हैं तो उन श्रमिकों को जो लोग रोजगार देते हैं उस हर व्यक्ति के मन में वो सम्मान करता है। और शायद यही प्रेरणा रही होगी कि शुभ्रांशु को भी ये लगा कि मेरे यहाँ पर जो श्रमिक है उनका भी सम्मान मैं करूँ, जिन्होंने कोरोना के काल में जब कोई बाहर नहीं निकलता था, जब लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे समय भी जो श्रमिक समाज के लिए काम कर रहे थे, ऐसे हमारे भाई, ऐसे हमारे महिलाएं बहने, इनका सम्मान एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबने वो काल देखा कोरोना का, जिस समय एक बड़ी विपदा से भारत गुजर रहा था और विशेष रूप से इस विपदा में भारत का गरीब, भारत का श्रमिक, भारत का मजदूर एक बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा था। ऐसे समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भले ही लॉकडाउन हो, भले ही रोजगार बंद हो, लेकिन मेरे भारत का एक भी व्यक्ति रात में कोई भी बिना खाए पिए नहीं सोएगा, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया और अंतिम व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी माताएं बहनों के जनधन अकाउंट में पैसा डालने का काम मोदी जी ने किया। हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके खातों में पैसा डालने का काम मोदी जी ने किया और बड़े पैमाने पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो लोग दिहाड़ी करते हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग श्रमिक हैं, इनको कैसी मदद की जाए, रेड़ी पटरी वाले लोग, फुटपाथ दुकानदार, ऐसे सारे लोगों को 10,000 रुपए का सीधा वहां पर एक प्रकार की मदद बैंकों के माध्यम से देने का काम मोदी जी ने किया और अलग अलग प्रकार से लोग जिए, इस प्रकार की कई योजनाएं मोदी जी ने इस दरमियान लाई। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अरे सरकार तो केंद्र में भी थी और सरकार तो महाराष्ट्र में भी थी, पर महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना के काल में क्या टूटी कमरी भी किसी को दी? क्या किसी गरीब को एक पैसा भी दिया? जो हमारा छोटा छोटा काम करने वाले गरीब है, तिहाड़ी करने वाले मजदूर है, हाथ ठेला वाला चक्कर करने वाले लोग हैं, पान ठेला चलाने वाले लोग हैं, हमारे चाय वाले हैं, ऐसे हमारे छोटे छोटे लोगों को एक पैसे की मदद भी उन्होंने नहीं दी। इनका दिल उनके लिए नहीं पसीजा? इनका दिल किसके लिए पसीजा पता है? कोरोना के काल में इनके मंत्रिमंडल के अंदर एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कोरोना के काल में सारे दुकान बंद थे, दुकान बंद थे तो बाहर भी बंद थे और बाहर बंद थे तो दारू बेचने वालों को बहुत तकलीफ हुई, उनका बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए उनका जो लाइसेंस का पैसा है उसको आधा कर दिया जाए और इसलिए दारू बेचने वाले बार मालिकों के लाइसेंस की फी को 50% कम करने का काम कोरोना के काल में उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया, लेकिन एक मजदूर को एक रुपया भी इस सरकार ने नहीं दिया। दोस्तों, इस सरकार ने किस प्रकार का निर्णय लिया? इस सरकार ने दूसरा निर्णय लिया, कहने लगे जो विदेशी शराब पीते हैं ऐसे सारे लोग बड़े गरीब हैं, क्योंकि उनको विदेशी शराब लेनी पड़ती है, उसको बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इसलिए विदेशी शराब के ऊपर जो टैक्स है वो 50% कम करने का काम उद्धव
जो ठाकरे जी की सरकार ने किया, लेकिन आपको जो रोजमर्रा की चीजें लगती है उसके ऊपर एक नया पैसा भी ठाकरे सरकार ने इस लॉकडाउन के दरमियान कम नहीं किया। किसी को मदद नहीं की, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं दी, उल्टा किया क्या तो ये किया, कहने लगे इस कोरोना के काल में लॉकडाउन के दरमियान सब लोग घर में थे तो घर में लोगों ने पंखा चलाया, लोगों ने टीवी चलाया, ऐसा बोल बोल के सबके इलेक्ट्रिक का बिल दुगना तिगना दे दिया। और जब लोगों ने कहा अरे शराब वालों को रियायत देते हो तो हमको भी थोड़ी सी रियायत दे दो, अरे बाकी तो छोड़ दो, आप जो सत्ता पर आए थे तो कहते थे गरीबों को मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में नहीं दी ठीक है पर कम से कम बिजली का बिल कम कर दो। तो ठाकरे सरकार के मंत्री कहते हैं बिल भरो नहीं तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी, एक दिन भी तुमको बिजली नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये दो संस्कृतियों का फर्क है। एक और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, जिन्होंने गरीबों को मकान दिया, गरीबों को सिलेंडर दिया, गरीबों को 5 लाख तक इलाज की वहां पर पूरी सुविधा दी, जिन्होंने गरीबों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं की, जिन्होंने गरीबों को रोजगार मिले इसलिए पैसा दिया, जिन्होंने गरीबों को हुनर मिले इसलिए हुनर देने का फैसला किया, जिन्होंने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चलाई कि जिसके माध्यम से हमारा जो श्रमिक है हर श्रमिक को ई श्रम कार्ड मिले, ई श्रम कार्ड के माध्यम से वो श्रमिक एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आए और वहां पर उसको पूरी तरीके से सुविधाएं मिले, उसका पंजीयन होने के बाद उस गरीब को उसके परिवार को चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो इलाज हो चाहे बूढ़ा बनने के बाद उसको पेंशन हो, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे गरीबों को देने के लिए ई श्रम कार्ड जैसी योजना मोदी जी ने यहाँ पर लाई। लेकिन दोस्तों मोदी जी की योजनाओं को भी ये महाराष्ट्र की सरकार आप तक नहीं पहुंचने देती, रोक देती है, जानबूझकर रोक देती है। जिस प्रकार से मोदी जी की योजनाओं को रोकने का काम इस सरकार के माध्यम से लगातार चल रहा है, गरीब कल्याण के एजेंडे को रोकने का काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा है, ये सरकार गरीबों को रियायत तो नहीं देती पर कोरोना के काम में मुंबई के बिल्डरों को हजारों करोड़ रुपए की रियायत ये ठाकरे सरकार देती है, क्योंकि आप सबसे उनको माल नहीं मिलता, बिल्डरों से माल मिलता है, माल है तो ताल है वरना तू कंगाल है, ऐसा मानने वाली ये सरकार जो गरीबों के खिलाफ वहां पर मैदान में उतरी है। दोस्तों श्रमिकों के सरकार इस सरकार के माध्यम से इस सरकार को चिताने के लिए आए हैं, इस सरकार को उनकी जगह दिखाने के लिए आए हैं। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप गरीबों के खिलाफ हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीबों के सम्मान में उतरी है और जब तक गरीबों को उनका हक उनका न्याय नहीं मिलता, जब तक मजदूरों तक उनकी योजनाएं नहीं पहुंचती, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपने घर पर शांत नहीं बैठेगा। और इसलिए एक प्रकार से आज का कार्यक्रम एक शुरुआत है कि शुरुआत के माध्यम से हम लोग मजदूरों तक उनका हक पहुंचाना चाहते हैं। मैं सुधांशु जी से ये निवेदन करना चाहूंगा, कुल ऐसी 22 योजनाएं हैं हमारे मोदी जी की सरकार ने बनाई हुई जो गरीबों को समर्पित है, मजदूरों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, छोटे छोटे काम करने वाले श्रमिकों को समर्पित है। ये सारी की सारी योजनाएं ये हमारे विभाग में कैसी लागू होगी इसकी आप चिंता कीजिए, और उसमें अगर इस सरकार का ठाकरे सरकार का कोई व्यक्ति अड़ा होता है तो मुझे बताइए, पूनम जी को बताइए, मंगल जी को बताइए, ऐसे सारे के सारे अड़ंगों को हम दूर करना जानते हैं। और जो मोदी जी की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे उनको हम उनकी जगह पर नहीं रहने देंगे, ये भी हमने यहाँ पर तय किया है। और इसलिए दोस्तों मैं फिर एक बार
साथ पूरे दिल के साथ शुभ्रांशु जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम श्रमिकों के सत्कार का सम्मान का आपने रखा, लेकिन ये कार्यक्रम तभी पूरा होगा जब यहाँ के एक एक श्रमिक को ई श्रम कार्ड मिलेगा, जब तक यहाँ के एक एक श्रमिक को मोदी जी की योजनाओं के तहत जो सारे फायदे हैं वो फायदे उन तक पहुंचेंगे तभी ये कार्यक्रम शुरू होगा। और इसलिए मैं बोलकर जाता हूँ, मैंने तो आज कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिस दिन ये सारे फायदे उन तक पहुंचाने का काम आप करोगे उस दिन वापस यहाँ आऊंगा और उस दिन उनका नहीं तुम्हारा सत्कार मैं यहाँ पर आकर करूंगा। इतना ही आज के मौके पर निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।